हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअस इन्फ्रा प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। मैं आज सिविल इंजीनियरिंग के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे फ्रेशर या बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको पता हो ना हो तो ये वीडियो उनके काम आने वाली है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला हमारा ट्रिक है थंब रूल फॉर एक्सेवेशन। जब किसी ब्रिज का एक्सेवेशन करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे तो एक्सेवेशन क्वांटिटी ये क्या होता है, 3 × कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ फुटिंग, मतलब जो भी फुटिंग की कॉन्क्रीट क्वांटिटी हो उसे 3 गुना होती है। वो कैसे होता है, फुटिंग का है ये हमारा, जैसे फुटिंग है हमारा ये, जैसे 2 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर डेप्थ है, तो फुटिंग साइज हमारा 2 मीटर है, 8 डेप्थ हमारा 3 मीटर, और कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ फुटिंग हुआ 2 × 1 × 3 6 MQ हो गया। तो एक्सेवेशन क्वांटिटी कितना होगा, 3 × कॉन्क्रीट क्वांटिटी, यानी कि 18 MQ हो गया हमारा एक्सेवेशन का क्वांटिटी। अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ कि ये कैसे होगा, मैं बताता हूँ। तो एक्सेवेशन क्वांटिटी हमारी 3 × कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ फुटिंग पर प्रूफ है। जैसे हमारा ये 2 मीटर का है फुटिंग, इसकी हाइट 1 मीटर है, और 500 ऑफसेट लिया हमने, ये 500 ऑफसेट लिया, ये इसका 500 ऑफसेट लिया, और इस साइड ये 500 ऑफसेट लिया। तो लेंथ ऑफ फुटिंग हुआ 0.5, ये 500, 2 मीटर ये, और ये 500, तो ये 3 मीटर हो गए। वेथ ऑफ फुटिंग हो गई 0.5, ये 0.5 हो गई, ये 1 मीटर हो गया, और 0.5 ये हो गया, तो अपना हो गया 2 मीटर। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग हम 0.10 का ऑफसेट लेते हैं इंटू 3, ये 3 हो, तो अपना हो गया 3.1 रनिंग मीटर। तो एक्सेवेशन क्वांटिटी कितनी हो जाएगा, लेंथ इंटू बिटवीन टू हाइट, लेंथ इंटू बिटवीन हाइट, तो 3 × 2 × और 3.1 18.6 MQ। हमारा कंक्रीट कितना आ रहा था, 18 MQ आ रहा था। तो ये अप्रोक्स हमारा थंब रूल है, कहीं किताब में या कहीं कुछ लिखा नहीं हो, एक काम करके जो एक्सपीरियंस के आधार पे ये थंब रूल है। दूसरा हमारा है कंक्रीट रेशियो फॉर कास्टिंग। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसका स्लैब करना हो तो उसमें क्या होता है, M20 आता है ग्रेड, तो उसमें कैसे अपना जो मसाला बनाते हैं हम मैनुअली, तो उसमें जैसे 1 बैग सीमेंट होगा तो 2 तगाड़ी होगा उसमें, जो तगाड़ी आता है इस टाइप में जो आता है, तो 1 बैग सीमेंट में 2 तगाड़ी आएगा, सैंड आएगा 3 तगाड़ी, और एग्रीगेट आएगा 5 तगाड़ी, जिसमें 20 mm 3 तगाड़ी होगा और 10 mm 2 तगाड़ी होगा। तो ये हमारा जो बिल्डिंग में स्लैब बनाते हैं उसमें ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा, जो M20 ग्रेड का आएगा और स्लैब अपना मजबूत होगा। तीसरा हमारा है प्लास्टर रेशियो फॉर वॉल। जो हम जो बिल्डिंग में वॉल में जो हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें रेशियो क्या होगा सीमेंट का, तो सीमेंट का होगा 1 तगाड़ी होगा, तो सैंड का हमारा ये 5 तगाड़ी आएगा। तो ये हमारा प्लास्टर ये वाल का आएगा और सही फिनिशिंग आएगा इस रेशियो में। चौथा हमारा है दोस्तों मिनिमम बार फॉर स्क्वायर कॉलम। तो कॉलम हमारा है, इसमें क्या होता है बार अपने 4 आते हैं, और ये स्क्वायर है तो इसको आप रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी ये हो सकता है, तो इसमें ये 4 सरिये होते हैं। ये होता है अपना जो TMT होता है अपना, वो 12 mm का होता है, और इसका जो रिंग होता है वो हमारा होता है 8 mm का, ये हम कॉलम में यूज करते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक है मिनिमम बार ऑफ सर्कुलर कॉलम। जैसे बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग में अपना हम एक
ये सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर हुआ नहीं तो इसमें बार कितने आते हैं? 6 आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें भी ये बार होते हैं अपने 12 mm के TMT होते हैं, और जो इसके रिंग होता है वो 8 mm का यूज आता है अपना सर्कुलर कॉलम में। छठा हमारा हाइट ऑफ पारापेट वाल शुड बी, पारापेट का हमारा वाल कितना होना चाहिए? वो 1 meter होना चाहिए। जैसे छत पे है या हमारा कोई बॉस करोड़ डिजाइन है, जैसे बिल्डिंग में अपना जो छत के ऊपर जो वाल खड़ा करता है उसको पारापेट वाल बोलते हैं, वो 1 meter का वो होता है। सातवां हमारा सर दोस्तों थिकनेस ऑफ DPC, जो DPC हमारा बिल्डिंग में आता है जिसको डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं, वो उसका 2.5 cm होता है और इंच में 1 inch होता है अपना, जिसको डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं अपने बिल्डिंग में है। ये दोस्तों हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग का जो 3.15 meter होता है, मीन्स कि जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट है वो 3.15 होना चाहिए ये बिल्डिंग में, ये अपना मैक्सिमम है। नवा हमारा टॉपिक है हाइट ऑफ विंडो, घर में जो खिड़की होती है बिल्डिंग में जो भी है तो उसका हाइट 2.1 meter होता है ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो खिड़की नहीं होगा। सो हमारा टॉपिक है 1 bag ऑफ सीमेंट, अपना 1 bag सीमेंट में कितना कॉन्क्रीट आएगा? तो 1.25 cubic meter कॉन्क्रीट आता है, क्यूबिक फीट सॉरी, और अपना 0.347 MQ ये हमारा कॉन्क्रीट आता है 1 bag सीमेंट में। 11 नंबर टॉपिक है हमारा वेट ऑफ 1 bag सीमेंट, हमारा एक सीमेंट बैग में कितने केजी सीमेंट आता है? वो हमारा 50 kg सीमेंट आता है एक बैग में 50 kg। 12 टॉपिक है हमारा वेट ऑफ स्टील, कि स्टील का वेट कैसे निकालते हैं, जैसे kg पर रनिंग मीटर में पर यूनिट वेट अपना D2² + 162.2, तो इसमें जो भी डाया हो उसे आप ये फॉर्मूला करेंगे तो अपना पर रनिंग मीटर में ये स्टील निकलेगा। और दूसरा वेट ऑफ स्टील, आपको आपको केजी और फीट में निकालना है स्टील, तो D2² जो भी हो 10 का 8 का सरिया हो 12 का 16 का और डिवाइड 533, इसे आप करोगे तो ये केजी फीट में स्टील का वेट निकलेगा। 13 नंबर हमारा मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन स्लैब, जो हमारा बिल्डिंग का स्लैब होता है उसमें मिनिमम कौन से डाया का बार आता है, तो वो अपना ये 12 mm स्टील आता है ये अपना। 14 नंबर टॉपिक है दोस्तों मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो बिल्डिंग में हम स्लैब करते हैं उसका मिनिमम थिकनेस हमारा 125 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 15 नंबर टॉपिक है हमारा मैक्सिमम डाया बार इन स्लैब, तो 1/8 × थिकनेस ऑफ स्लैब, जो भी थिकनेस ऑफ स्लैब होगा तो थिकनेस ऑफ स्लैब मान लेते हैं 400 × 1/8 50, तो अपना मैक्सिमम 50 बार इसमें स्लैब में आएगा ये। 16 नंबर टॉपिक है इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट का हमारा है, तो ये क्या होता है 30 मिनट होता है, 30 मिनट का टाइम होता है इनिशियल सेटिंग टाइम में। 17 हमारा है फाइनल सेटिंग टाइम, ये क्या होता है 10 आवर्स ये होता है और मिनट में आपका ये 600 मिनट्स ये आएगा, ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट का 10 आवर्स होता है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, OPC एक आता है सीमेंट में जिसको ऑर्डिनरी पॉट लैंड सीमेंट हम बोलते हैं OPC का, ठीक है। 18 नंबर टॉपिक है हमारा मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, चेयर हम कहाँ लगाते हैं? जो अपना टॉप जाली होता है जो हम बांधते हैं तो बॉटम से लगाते हैं, तो उसका स्पेसिंग मैक्सिमम 1 meter होगा, ये 1 meter पे हम ये
चेयर लगाते हैं कहीं पे भी। 19 नंबर है हमारा DPR, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन आता है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है या कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, तो मैं यहाँ कंफर्म कर दूँ कि DPR मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ना कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। 20 नंबर टॉपिक है हमारा यूनिट वेट। तो RCC का क्या होता है, 25 किलोमीटर मीटर क्यूब, जो 25,000 न्यूटन मीटर क्यूब मैंने निकाल दिया यहाँ पे। और आप PCC का क्या होता है हमारा, 24 किलो न्यूटन प्राइम क्यूब, 24,000 होता है। और स्टील का हमारा जो था सरिये का, ये 7850 kg पर MQ, ये हमारा स्टील का यूनिट वेट होता है। 21 नंबर टॉपिक है हमारा कि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, ये बहुत लोग को मालूम नहीं होता है, तो मैं ये नॉलेज आपको शेयर किया कि 1 यार्ड में 3 फीट होता है। इस नंबर हमारा टॉपिक है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जो हम क्यूब साइड भरते हैं कंक्रीट के टाइम में, तो क्यूब का हमारा साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm का, ये हमारा स्क्वायर में ये क्यूब होता है हमारा। 23 नंबर हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ स्टेयर केस। जैसे हमने घरों में या बिल्डिंग में हम जो सीढ़ियाँ बनाते हैं वो कितने डिग्री पर होने चाहिए, वो 25 डिग्री से 40 डिग्री पे होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। जैसे ये अपना 25 डिग्री या 40 डिग्री पे हमारा ये सीढ़ी का स्लोप होना चाहिए। 24 नंबर हमारा है कंक्रीट क्यूब इन इस फील्ड। ये हम कंक्रीट जो क्यूब आता है उसको हम फील्ड करते हैं 3 लेयर्स में। और एक हमारा स्लम कोन आता है, जो साइड पे स्लम कोन आता है उसको हम 4 लेयर्स में फिल करते हैं। स्लम का कोन का हमारा ये क्या है कि स्लम से हम जो वर्कबिलिटी चेक करते हैं, ये हम स्लम से साइड पे जो भी कंक्रीट का वर्कबिलिटी चेक करते हैं हमारा। 25 नंबर हमारा टॉपिक है सीमेंट शुड बी यूज्ड इन 3 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट जो भी हम मंगाते हैं, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो 3 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ वो सीमेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं। इस सिविल इंजीनियरिंग के मैंने आज 25 शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, आगे और भी बताऊंगा, जैसे पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, जो शॉर्ट में कैसे आपका डाउट क्लियर करना है, जो बहुत चीज़ें नहीं मालूम है आपको बताया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों में, जो हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें। नमस्कार।